में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और इस बार हम सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता पर्वत प्रदेश में पावस के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पर्वत प्रदेश में पावस के प्रश्नोत्तर। इसमें प्रश्न पहला है का पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है कि इसमें बहुत से परिवर्तन आते हैं। पहला, कविता में दिखाया गया है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में फूल खिले हुए हैं और पहाड़ों के निचले वाले हिस्से में जल भरा हुआ है, तालाब है। ये पहला दृश्य है। अब दूसरा जो है वो परिवर्तन क्या है, दूसरे दृश्य में बताया गया है कि झरने झरझर की आवाज करते हुए बह रहे हैं और पहाड़ों के बीच में ऊंचे ऊंचे पेड़ उगे हुए हैं, खड़े हैं। फिर तीसरा दृश्य है, तेज आंधी पानी आने पर पेड़ गिर गए, झरनों की आवाज शांत हो गई और तालाब के जल में धुआं सा उठने लगा। प्रश्न दूसरा है, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने शब्द का प्रयोग यहां पर क्यों किया है। तो उत्तर है कि मेखलाकार शब्द का अर्थ होता है करधनी जैसे आकार वाले पहाड़ों की ढाल, और कवि ने यहां पर इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि अगर हम दूर से पहाड़ों को देखते हैं तो वो करधनी जैसे आकार वाले हमको दिखाई देते हैं। तीसरा प्रश्न, सहस्र दृग सुमन से क्या तात्पर्य है, कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया है। सहस्र दृग सुमन से तात्पर्य है पहाड़ों में खिले हुए हजारों फूल, और कवि ने इस पद का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि पहाड़ों का प्रतिबिंब नीचे भरे हुए तालाब में दिखाई दे रहा है, इसलिए कवि कहता है कि पहाड़ अपने प्रतिबिंब को फूल रूपी आंखों से निहार रहा है। और चौथा प्रश्न है, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों। तो उत्तर है कि कवि ने तालाब की समानता दर्पण से दिखाई है, आईने से दिखाई है, और इसलिए क्योंकि जिस तरह दर्पण में हमें अपनी छवि दिखाई देती है ठीक उसी तरह हमारा प्रतिबिंब हमें तालाब में भी दिखाई देता है। और अब अगला प्रश्न पांचवा, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं। उत्तर है, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर देख रहे हैं और वे इस बात को प्रतिबिंबित करते हैं कि वे आकांक्षाएं हैं तथा आसमान से चलने वाली आंधियां कहीं उनका अस्तित्व न मिटा दें, इसका उनको सोच भी है। छठवां प्रश्न है, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धस गए। उत्तर है कि जब भीषण आंधी और बरसात होने लगी तो उसके कारण शाल के पेड़ गिर गए, टूट गए और जमीन में धस गए। वे बहुत ऊंचे थे और आंधियों का सामना नहीं कर सकते थे। सातवां प्रश्न है, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं, बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है। तो उत्तर है कि झरने पहाड़ों के गौरव का गायन कर रहे हैं और उनकी तुलना मोतियों की मालाओं से की गई है। और अब खा, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है, टूट पड़ा भू पर अंबर। तो उत्तर है, हम इसका भाव इस तरह लिखेंगे, इस पंक्ति का भाव है कि आंधी तूफान
और बादलों की गर्जना के कारण ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती पर आसमान ही टूट पड़ा हो। यहां पर एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है, आसमान टूट पड़ना। दूसरा, जो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इन पंक्तियों का भाव यह है कि वर्षा ऋतु में प्रकृति का जो स्वरूप है वह बार बार बदल जाता है और ऐसा लगता है जैसे कोई जादू के खेल दिखा रहा हो। अभी धूप खिली थी, अभी फूल मुस्कुरा रहे थे, अभी झरने से जो है गीत जैसी आवाज गूंज रही थी और दूसरे ही पल सब शांत हो गया। आंधी चलने लगी, तूफान चलने लगा, पेड़ गिर गए, टूट गए और तालाब में जैसे आग लग गई। तो ये परिवर्तन होता है। तीसरा है, गिरिवर के ओर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेश अटल कुछ चिंता पर। तो इन पंक्तियों का भाव यह है कि पहाड़ पर लगे हुए ऊंचे ऊंचे पेड़ मानो पहाड़ों की ऊंची ऊंची इच्छाएं हैं जो आसमान की ओर चिंता के साथ देख रही हैं कि कहीं ऐसा घटित न हो जाए जिससे उन आकांक्षाओं पर जो है तुषारा पात हो जाए, वो आकांक्षाएं मिट जाए। और अब कविता के सौंदर्य संबंधी प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देने से पहले हम जान लें कि मानवीकरण अलंकार क्या होता है। देखिए, मनुष्य जो कुछ करता है जब वैसा ही प्रकृति से करता हुआ दिखाया जाए तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हम कहते हैं फूल हंस रहे हैं। अब हंसना मनुष्य का काम है, पर कवि उसको जब फूलों पर आरोपित करता है तो वह फूलों का मानवीकरण करता है। भौरे गा रहे हैं, गाता मनुष्य है, पर भौरे अगर गाते हुए दिखाए जा रहे हैं तो मानवीकरण है। इस कविता में भी प्रकृति का मानवीकरण कई जगहों पर हुआ है। कहां कहां हुआ है चलिए देखते हैं। पहला है, पहाड़ अपनी फूलों सी आंखों से देख रहा है, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार। यहां मानवीकरण है, देखना मनुष्य का काम है, आंखें आदमी के पास होती हैं, पर कवि ने प्रकृति में आरोपित किया है इसलिए मानवीकरण। दूसरा, झरने गीत गा रहे हैं, गिरी का गौरव गाकर झरझर, गाना मनुष्य का काम है, कवि ने गीतों झरनों से यहां पर गीत गवाया है तो मानवीकरण। तीसरा, बादलों के जहाज पर इंद्र देवता जादू के खेल दिखा रहा है, यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। यहां पर बादलों को हवाई जहाज बनाकर उसमें इंद्र के द्वारा जादू के खेल दिखाने का मानवीकरण किया गया है। प्रश्न दूसरा, आपकी दृष्टि में इस कविता का सौंदर्य इनमें से किस पर निर्भर करता है। अब तीन वैकल्पिक उत्तर है, हमको सही उत्तर चुनना है। का अनेक शब्दों की आवृत्ति पर, ख शब्दों की चित्रमयी भाषा पर, ग कविता की संगीतात्मकता पर। इन तीन में से किस पर कविता का सौंदर्य निर्भर करता है? तो इसका उत्तर है, शब्दों की चित्रमयी भाषा से ही कविता का सौंदर्य बढ़ता है, क्योंकि जिस तरह एक चित्रकार अपनी कूची से चित्र बनाता है, कवि ने शब्दों से प्रकृति के चित्रों का निर्माण कर दिया है। और अब अगला प्रश्न, कवि ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए पावस ऋतु का सजीव चित्र अंकित किया है, ऐसे स्थानों को छांटकर लिखिए। अब जहां पर कवि ने चित्र बना दिए हैं शब्दों से, वो स्थान बताने हैं। तो उत्तर में देखिए,
पहला स्थल कौन सा है? पहला स्थल है करधनी के आकार वाले पहाड़, पहाड़ों पर फूल खिले हैं और उसकी तलहटी में जल भरा हुआ है जिसमें पहाड़ों का प्रतिबिंब बन रहा है। ये पहला चित्र हुआ। दूसरा, झरने झरझर की आवाज के साथ बह रहे हैं और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच में से होकर आसमान की ओर चिंता के साथ वो पेड़ देख रहे हैं। तीसरा चित्र है, भीषण आंधी पानी के कारण पेड़ गिर गए हैं, झरनों की आवाज लुप्त हो गई है और तालाब से धुआं उठ रहा है। तो यह थे पर्वत प्रदेश में पावस कविता पर केंद्रित प्रश्नोत्तरों वाला हिस्सा। अगली बार हम पंत जी का जीवन परिचय करेंगे। कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।